मेरे स्टूडियो के मच्छर सोचने लगे हैं कि मैडम को कोई और काम नहीं है, जब देखो यहीं मिलती हैं। आपका तो मुझे पता नहीं, पर मुझे बहुत मजा आ रहा है इस सब में। देर इज नोबडी अराउंड मी एंड आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो, जस्ट हैविंग दिस थिंग इनसाइड मी कि ये इतने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स खुले हुए हैं जिन्होंने यही सब सिखाने का, जो कुछ है भी नहीं, उसको पूरा इतना बड़ा बिजनेस बना रखा है। और जो हमारी जनरेशन है, हमारे जो यूथ है आज का, वो उस चीज़ के पीछे भाग रहा है जिसको सिर्फ हवा बनाया हुआ है। तो मेरा पर्पस ही ये सब वीडियोस बनाने का है ताकि आपको पता चले कि ये एक्चुअली कुछ नहीं है, जो रियल चीज़ें हैं वो कुछ और है। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं अगला। आउट ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम अ पर्सन परचेज 60% कलर टीवी, मतलब उसने कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदे, मान लेती हूँ उसने 100 इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदे जिसमें से 60% कलर्ड थे, मतलब 60 कलर्ड थे, 100 का 60% 60 कलर्ड थे, उसमें से 5% जो थे वो डिफेक्टिव थे, मतलब कि 60 के 5% डिफेक्टिव थे। अब 60 का अगर मुझे 5% निकालना हो तो सिंपल ये करना है, 5% मतलब 3, देखो ठीक है, 3, 3 इज 5% ऑफ 60। नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड द परसेंटेज ऑफ द डिफेक्टिव टीवीज इन ऑल, डिफेक्टिव टीवीज ऑल, इसकी परसेंटेज बतानी है। आंसर जल्दी से बोलो, बस क्या है इसमें, इतना ज्यादा परेशान हो रखे हो, छोटी सी बात है। चलो अगला देखते हैं, सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज, चलो इसके बारे में पहले सीखते हैं। बेटा देख, सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज क्या बोलता है, अगर आपको कोई एक नंबर, ठीक है, पहले किसी परसेंट से बढ़ाना है और फिर उसी परसेंट से घटाना है, लेकिन आपको नंबर नहीं दिया। देखा, मैंने इसे पहले पहले वीडियो में क्या बताया था कि अगर 100 हो उसको पहले 10% बढ़ाना है और फिर 5% घटाना है तो ये कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये दिया ही ना हो तो क्या करेंगे? तो इसका फॉर्मूला ये है, ध्यान से सुनना, बड़ा आसान सा है। अगर कोई भी नंबर है दुनिया का, उसको पहले मैंने किसी परसेंटेज से बढ़ाया ए, फिर उसी परसेंटेज, मतलब फिर बी परसेंटेज से दोबारा से बढ़ाया, दोनों को बढ़ाया, तो पूछ रहा है व्हाट इज द नेट चेंज, नेट चेंज, व्हाट इज द नेट चेंज। इसका फॉर्मूला है मेरे बेटा, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ए क्या है? ए वो है जो परसेंटेज आपने पहले बढ़ाई, इसके आगे पॉजिटिव का साइन है, ऑब्वियसली ये साइन रिप्रेजेंट करता है कि आपने परसेंटेज बढ़ाई। बी के आगे पॉजिटिव का साइन है, ये भी ये बात रिप्रेजेंट करता है कि आपने परसेंटेज बढ़ाई। ये तो साइन कहां से आया? ये आया इन दोनों के मल्टीप्लाई से, ए इंटू बी किया है ना, ए भी पॉजिटिव का, बी भी पॉजिटिव का, तो मल्टीप्लिकेशन भी पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि ए तो बढ़ाया लेकिन बी को कम किया, ए इज इंक्रीज्ड बट बी इज डिक्रीज्ड, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, ए तो पॉजिटिव ही रहेगा, बी नेगेटिव हो जाएगा। और अब अगर दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आएगा? माइनस ए बी अपॉन 100, बस। और अब चलो तुम अपना दिमाग लगा के मुझे बताओ, शातिर बच्चों, दोनों माइनस होंगे तो, मतलब दोनों को डिक्रीज कर रहा है, पहले उसने 10% कम किया फिर 20% कम किया, फटाफट से नेट चेंज बताओ। मैडम मेरे हिसाब से होना चाहिए, पहले कलर चेंज कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, पहले 10% डिक्रीज करा -10, फिर 20% डिक्रीज करा -20, दोनों का मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस, 200 अपॉन 100, ये कट गया -30 प्लस 2, नेट चेंज हुआ -28%।
गलती से भी पेपर में 30 मत लिखाना, पहले 10 और फिर 20, 30 होता तो कभी क्वेश्चन नहीं पूछता, समझ आया? तो आंसर -20, सिंपल, ऐसे ही करना है। चलो इसको करते हैं क्वेश्चन को, देखो क्वेश्चन कह रहा है द प्राइस ऑफ एन आइटम इज इंक्रीज्ड बाय 20 डिक्रीज्ड बाय 20, इंक्रीज्ड 20 डिक्रीज्ड 20 -400 अपॉन 100, है ना? कट गया ये, क्या बच गया? -4, -4 का मतलब है लेस। इसमें एक और ट्रिक, ध्यान सुनो, अगर कोई नंबर, कोई भी चीज एक ही परसेंटेज से इंक्रीज हो रही है और फिर डिक्रीज हो रही है एंड द परसेंटेज इज सेम, तो मैं ये लिख सकती हूं दैट नेट चेंज विल ऑलवेज बी नेगेटिव, विल ऑलवेज बी नेगेटिव एंड द आंसर विल बी, जो क्वेश्चन दिया, जो परसेंटेज दी है उसका स्क्वायर अपॉन 100। अरे सिंपल है, ऐसे कहने के लिए ट्रिक है। यहाँ पे देखो, ये तो कट गया ना, बचा तो यही, और ये है क्या, नेगेटिव तो रहेगा ही, ये क्या है 400, इसका ही तो स्क्वायर है, 20 इंटू 20 तो किया, इंटू बी स्क्वायर लिख दिया अपॉन 100 बस। तो ट्रिक इज व्हेन द परसेंटेज, व्हेन अ नंबर इज चेंज्ड और से इंक्रीज और डिक्रीज बाय द सेम परसेंटेज देन द नेट चेंज इज ऑलवेज नेगेटिव एंड द स्क्वायर ऑफ दैट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। सो दिस इज द सिंपल ट्रिक। आगे की चीजें अगली वीडियो में, मिलते हैं जल्दी।